ऋषभ। अरे भाई आओ यहाँ। मैं नहीं मानती, मैंने हर जगह ढूंढा ऋषभ को, गांव में ढूंढा, जंगल में ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। बस उसकी एक घड़ी मिली, ऋषभ की घड़ी नहीं, ऋषभ की, ऋषभ की नहीं हो सकता। बुआ जी नहीं मैं नहीं मानता, ये नहीं हो सकता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, यूं गवार लड़की, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने पति को खो दिया। तुम्हें कब से भैया की इतनी फिक्र होने लगी भैया की? क्यारा मिताली, 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 मैं शट अप मिताली, जो बोलना है इस लड़की को बोलो। ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? ऋषभ मेरा पति था, मेरे पति पे आंसू बहाने बंद करो तुम। चुप रहो तुम क्यारा। अगर वो तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूम रहा होता ना, तो आज हम सबके साथ होता, यही होता। निकल। पति पति पति, जब वो था तब तो उसकी फिक्र नहीं थी। नहीं आओ। अब वो मर चुका है, अब ये सोचो उसकी दो माओं को हम क्या जवाब देंगे, सुधा को क्या कहेंगे, मोहिनी को कैसे समझाएंगे, प्यार से उससे बड़ा किया है उसे। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। तो कैसा है ये सब? क्या है ये? और मोहिनी कहाँ है? ऋषभ के साथ उसे भी मार दिया, और ऋषभ को किसने मारा? ब्रह्मराक्षस ने। अरे चुप क्यों हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या ऋषभ मर गया? नहीं भाई, मैं यहां हूं। डैड, जरूर ये सब मॉम ने किया हुआ है। ये मॉम मॉम ने ऋषभ को मारा, आई एम श्योर। चुप कर नालायक, ये क्या बकवास कर रहा है तू? होश ठिकाने हैं तुम्हारे? साहब ये बकवास नहीं कर रहा है, ये सच है। तुम इसे तो घर से बाहर निकाल दिया था। तू पागल हो गया वेद, इसे क्या बोल रहा है यार? आज हम सब जिंदा हैं तो सिर्फ इसकी वजह से, अगर ये नहीं होती तो सब मर गए होते। क्या हुआ ऋषभ को? ये सब कैसे? बाबू चलो जाकर उस पागल औरत को मारते हैं। उसने ऋषभ बाबू को मार दिया, अब पता नहीं और किसे मारेगी वो। किसकी बात कर रही हो? कौन पागल औरत? और ये सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और मोहिनी कहाँ है, कोई तो बताएगा? ये नारा है कुछ अनाप शनाप बके जा रहा है। मोहिनी कहाँ है? काल कोठी में डैड, मैंने ही उन्हें बांधा है वहां पे। युग, वो पागल हो गया है। युग, तूने क्या किया है मुझे साफ साफ बता। नो, ये सब बातें अजीब लग रही है आप लोग को। दादी मैं सब साफ साफ बोलता हूँ, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आज तक होता आया है, ये सब मॉम का किया कराया हुआ है। आई एम श्योर ऋषभ को भी मॉम ने ही मरवाया होगा। और ब्रह्म राक्षस नैना के कंट्रोल में नहीं है, मॉम के कंट्रोल में है। सही बोल रहे भाई दादी, मॉम ने हम सबको झूठ बोला, नैना को फंसा दिया। वो अपने आप को बचाने के लिए किसी पे भी इल्जाम लगा देती है। अच्छा सुधा चाची की बात करते हैं दादी, आप सबके लिए तो वो मर चुकी थी ना, इतने साल से मर चुकी थी, कहाँ थी वो? अब सडनली कहाँ से आ गई? मॉम ने उन्हें भी उसी काल कोठरी में बांध रखा था। इतना टॉर्चर किया सुधा चाची को, इतना टॉर्चर किया कि उनकी जुबान तक जला दी। सुधा नहीं बोल सकती है। एग्जैक्टली दादी, अब उनके मुंह से तो आप सच्चाई सुनेंगे नहीं, इसलिए मैंने मॉम को काल कोठरी में बांध दिया। गॉड से कोई तो मेरी बात सुनो। वही नहीं इसी लायक है, अच्छा किया तुमने, यही होना चाहिए ऐसी औरत के साथ। ऋषभ नहीं रहा, मैं सुधा को क्या जवाब दूंगी? कैसे दिखाऊं उनको मैं यहां इस पत्थर के अंदर?
ऋषभ की माँ को सब कुछ बताना होगा। मुंह में पड़ी थी लेकिन जिंदा रही, एक ही आस लिए एक बार अपने बच्चों का मुंह देखने के लिए। वो अपने बच्चों का मुंह देखना चाहती थी। मैंने मार दिया, मेरे ऋषभ को मर जाने दिया। हाँ कुछ मत बोल, मुझे तुझ पर भरोसा था, रहना तुझ पर भरोसा था। नहीं दादी प्लीज, रैना को कुछ मत बोलिए। देख इसे, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है रैना। रैना की कोई गलती नहीं है, उसने आपका भरोसा नहीं तोड़ा दादी। तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ये बकवास ऋषभ, आज अगर बीच में नहीं आता ना, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल जाता। कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढूं, कैसे हासिल करूं उसे? तुमने ऋषभ को मारा है? तुम उस ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल करती थी? मोहिनी यार, तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो? अरे ये सब मुझे एक बार बता दी तो सही, बता कर देखती। अरे हम सब साथ में करते, सब कुछ सेट कर देते। अरे यार अच्छा तुम ये किस पत्थर की बात कर रही थी? पहले ये बताओ, सच में मेरी मदद करोगे या? ऑफ कोर्स मोहिनी, मैं तो तंग आ गया हूं ये नाकामी जिंदगी जीते हुए। मैं लाइफ को तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया कभी। लेकिन हाँ, अब इस ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल करने में बड़ा मजा आएगा। लाइफ में कोई तो चेंज आएगा। वाह पति परमेश्वर, उतने नाकारा नहीं हो जितना मैंने समझा था। मुझे तो लगा था ऋषभ का बाप आके मुझे जोर से थप्पड़ मारेगा। असली नकली जो कुछ भी, बाप तो हो ना तुम उसके। अब एक काम करो ना, ये सब खोलो फिर मैं बताती हूँ क्या करना। नहीं पहले मुझे उस पत्थर के बारे में बताओ तो सही। Rana!
क्या क्या है क्या ये पत्थर? और कहाँ खो गया, कैसे खो गया? बताओ बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। अरे पूरी फैमिली को बस कहानियां सुनने का शौक है। सुनो बता रही, जहां तू बूटी लेने गई थी ना, वहीं पे आगे एक पर्वत है, नरसिम्हा पर्वत। उस पर्वत पे नरसिम्हा रहता है। मोहिनी, मुझे डबल क्रॉस तो नहीं करोगी ना? मैं क्यों आपको डबल क्रॉस करूंगी, खोलिए ना। वाह वाह वाह, फैंटास्टिक। मुझे लगा था कि यहाँ पे सब सिर्फ मुझे नकली समझते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ नकली है। लाइक माँ बाप नकली, परिवार नकली, प्यार नकली। everything is just नकली। देखो 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 कियारा, कियारा देखो, ये अब समझो यार, हम पार्टनर हैं। देखो तुम ये किसी से भी नहीं कहोगी, ठीक है? तुम्हें जो चाहिए दे दूंगा, जो चाहिए। मुझे देंगे आप? क्या देंगे? डैड, आपने मेरे बाप से भीख लेने के लिए मेरी शादी ऋषभ से करवाई थी, याद है या भूल गए? और आप, वाह माँ हो तो ऐसी। देखो हीरोइन, फैमिली पिक्चर बन रही है, जो भी काम करेगा ना सबको दाम मिलेंगे। अब तुम हमारी मदद करो, तुम्हें भी मिलेगा। बताओ क्या चाहिए? आना हिस्सा। तुम बिजनेस स्कूल में फेल हुई थी क्या? ये कोहिनूर हीरा नहीं है, ये वो पत्थर है जिससे जो ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल करता है, करेक्ट? जिसके पास ये पत्थर है, ब्रह्म राक्षस उसकी सारी बातें मानता है। एज इन किसी को मरवाना हो तो जस्ट ऑर्डर ब्रह्म राक्षस और वो कर देगा। Am I right? So you're actually right. ये पत्थर हीरा नहीं है, ये हीरे से बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स एक्चुअली प्योर पावर, और मुझे उस पावर का आधा हिस्सा चाहिए। मुझे हिस्सा दे दो, वरना मैं तो जाके सबको बता दूं। रुको कियारा बेटा, कमीनेपन में तो तुम अपनी सास को टक्कर दे सकती हो। आई लाइक इट। आधा हिस्सा चाहिए ना? मिल जाएगा। ओके देन, डन, वी आर पार्टनर्स। तुम दोनों बुढ़े बुढ़ी जानते ही नहीं कि मैं चीज क्या हूं। एक बार वो पत्थर मिल जाए, फिर उस पत्थर से तुम दोनों का सर फोड़ दूंगी। ये तेरा मेरा करके इस मोहिनी ने बहुत उल्लू बना दिया। एक बार वो पत्थर मेरे हाथ में आ जाए, फिर उसके पावर से मैं इन दोनों को मार दूंगा, फिर सारा पावर मेरा। पावर का ये खेल मैंने ही शुरू किया था और इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। सबको मार दूंगी। पति परमेश्वर मुझे खोलेंगे? नहीं 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 नहीं, अरे बाहर सबको पता चल गया कि तुम यहाँ हो। अगर तुम बाहर आओगी तो वो मुश्किल हो जाएगा। तुम यहीं रहो, मैं और कियारा जाकर वो पत्थर ढूंढते हैं। चलो चलो किया, आओ। अरे नलिन, अरे पागलों क्या, खोल के तो जाओ। ऋषभ ने बताया था मुझे कि जस्सी दादी को प्लेन मिल्क तो बिल्कुल पसंद नहीं,
इसलिए मैंने इसमें चॉकलेट मिला दिया। चॉकलेट मिल्क। दादी, आपको पता है ना ऋषभ क्या कहता? स्ट्रॉन्ग बनो, हमें लड़ना है, जीतना है। रेना, I'm really sorry बेटा, मैंने तुझे बहुत कुछ कह दिया, गुस्से में पता नहीं मैं क्या क्या बोल गई, मुझे इतना नहीं सुनाना चाहिए था तुझे। I'm so sorry बेटा। बस बेटा, शांत हो जा, देख ऋषभ क्या कहता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, लड़ना ही नहीं जीतना भी है ना, मेरा ऋषभ भी तेरा ऋषभ ये कहता ना, हमारा ऋषभ दादी, हमारा ऋषभ दादी, मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा ऋषभ हमें छोड़ कर यार जल्दी आ, अंधेरा है कोई देखेगा नहीं, वो पत्थर ढूंढ लेंगे जल्दी। क्या कर रही? मैं वो क्या हुआ कि मैं अपने घर जा रही थी और अंधेरी रात में दिया मेरे हाथ में नहीं था, तो इसलिए बाबूजी ने बोला चल कमो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, है ना बाबूजी? हाँ हाँ ऑफ कोर्स हाँ, लेकिन आप लोग किसको छोड़ने जा रहे हो? आई मीन इतनी रात को आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बस मुझे अब नींद नहीं आ रही थी तो सोचा। हाँ वो एक्चुअली मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, यू नो ऋषभ की मौत के बाद मैं बहुत अपसेट हूँ। अपसेट क्यों, नहीं हो सकती क्या? चलिए डैड, लेट्स टेक अ वॉक। हाँ चलो चलो। बाबूजी, पत्थर यहाँ तो नहीं मिला, मुझे लगता है नरसिम्हा पर्वत के मंदिर के पास ही गिरा होगा, मैया की शक्ति भी वही खोई थी तो पत्थर भी वही होगा। चलो मंदिर जाके पत्थर ढूंढते हैं, वैसे भी मॉम अपने सारे कार्ड वहीं करती थी, है ना? लेट्स गो। चलो। आज की रात आखिरी रात, मुझे तेरा खून चाहिए रहना, खून। मेरी आवाज सुनानी होगी, क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि रेना को मेरी आवाज सुनाई दे? क्या करूं? क्या करूं? For God's sake, रेना, रेना मैं आऊं, कोई तो देखो, रेना। Thank you.
ये क्या है? वो शक्ति इस घर में कैसे है? नहीं जाऊंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा। मुझे उसका खून चाहिए, वो बूटी चाहिए, वो शक्ति चाहिए। क्या आवाज कैसी? कौन है वहां? आप कौन हो? क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? कौन है आप? राम राक्षस आ गया। बचाओ! ये तो रैना के चिल्लाने की आवाज है। मोहिनी, आज तो वाकई बहुत बड़ी रात है। यहां भ्रम राक्षस रैना को मार देगा और वहां मेरा वो नाकारा पति और कियारा मेरे लिए वो पत्थर ले आएंगे और फिर उन पत्थर की शक्तियों से मैं उन दोनों को मार दूंगी। बस उसके बाद मैं मोहिनी, मैं बन जाऊंगी सबसे शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली मोहिनी। सिर्फ और सिर्फ मोहिनी। दरवाजा तोड़कर अंदर ना आ जाए। ये आवाज, वो रोशनी कैसी थी? इसी घर से भाग जा रही थी। ये सुधामा के कमरे से भाग जा रही है। क्या है उनके कमरे में? रोशनी कहां से आ रही है? क्या हुआ आपको? आप रैना, रैना, मैं अभी पानी लाती हूं। वाह! आप उठिए। रहा
नहीं, ये हरी रोशनी तो इसी पत्थर से आ रही है। तो वही पत्थर है जो मोहन। तुम नहीं जानते मैं कितनी खुश हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी ऋषभ, प्रॉमिस, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें इस पत्थर से निकाल के ही रहूंगी। तुम्हारी चिल्ली तुम्हें वापस इस दुनिया में लाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। सदा मां, ऋषभ, ऋषभ इसके अंदर है। मैं वादा करती हूँ, मैं ऋषभ को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। आई प्रॉमिस, वादा करती हूँ। कोई आवाज ही नहीं आ रही। कहीं उस राक्षस ने मार तो नहीं दिया रैना को? अरे मारा या नहीं अब तक उसे? मर गई वो? मैं उसे छू भी नहीं सका। अच्छा, यूं तो बड़ा दहाड़ते फिरते हो। एक बिट्टी सी लड़की को नहीं मार सके? पत्थर, वो पत्थर इस घर में है। मुझे सिर्फ खून चाहिए। उस लड़की का खून नहीं तो तेरा खून सही। देखो, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? जरा सोचो, अगर मैं मर गई तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। वो पत्थर अगर रैना को मिल गया तो वो तो तुम्हें मार देगी। अगर वो पत्थर मुझे मिल गया तो मैं दोबारा तुम्हें वश में, मतलब सारी शक्तियां तुम्हें दे दूंगी, तो फायदा तो तुम्हारा ही है ना। मुझे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, जो करना है आज की रात कर। रात खत्म तो तू खत्म, सब खत्म। सब खत्म। रैना को अगर वो पत्थर मिल गया जरूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही करेगी। कैसे कैसे उस रैना को याद लाऊं? ऋषभ, ऋषभ तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? कुछ नहीं होगा ऋषभ, मैं हूं ना तुम्हारी चंदी। मैं तुम्हें इस पत्थर से बाहर निकाल के ही रहूंगी। आई प्रॉमिस, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? विश्वास है ना मुझ पर?
विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। पाता, प्लीज प्लीज दरवाजा बंद मत कर, प्लीज मुझे अंदर आने दो, मेरी मदद करो प्लीज। ये पत्थर, ये नरसिम्हा का पत्थर है। क्या आपको इस पत्थर के बारे में कुछ पता है? क्या शिवम के उस किताब में कुछ लिखा है इस पत्थर के बारे में? वो राक्षस मुक्ति यज्ञ वाली किताब, उसमें कुछ लिखा होगा ना? प्लीज सोचिए ना, मैं ऋषभ को इससे बाहर कैसे निकालूं? प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे लिए, शिवम के लिए। उसने उस राक्षस को मारने के लिए अपनी जान दे दी, उसके लिए इसमें तो नरसिंह के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। इसकी तो रोशनी जा रही है, ऋषभ, ऋषभ, पुलिस की रोशनी जा रही है। इसका क्या मतलब है? मतलब इस पत्थर की जान जा रही है, इसकी रोशनी जा रही है, मतलब कुछ बुरा होने वाला है। इसकी रोशनी जा रही है मतलब अंधेरा, मतलब ऋषभ की जिंदगी में अंधेरा आने वाला है। सबको इससे बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। रहना रहना, मेरी बात सुनो। देखो, अब हमारी मदद सिर्फ वही कर सकता है जो इस पत्थर को लाया है, जिसने नरसिंह को जागृत किया है। अब वही हमें इस बारे में बता सकता है, वही हमें समझा सकता है कि अब ऋषभ को इससे बाहर कैसे लाया जाए। आपका मतलब मोहिनी आंटी? वही हमारी मदद कर सकती है। रेना, स्टूपिड गवार आइडिया। मंदिर पे मिलेगा पत्थर, पहाड़ों पे चढ़ाई करा दी और जान निकाल दी मेरी। अब मुझे सपना थोड़ी ना आएगा कि वहां मंदिर में कुछ नहीं है। दिमाग में एडिया आया तो मैंने बता दिया। लेकिन ये आवाज कैसी? कल कोठरी से कहीं मॉम भाग तो नहीं गई? क्या बाबू, आज तक आप भागे हो क्या? जब कम्मो बांधती है तो कस के बांधती है। अरे ये आपकी मैया की खर्राटों की आवाज होगी। आप भी जाओ खर्राटे मारो, मुझे बहुत नींद आ रही है। कम्मो। हाँ। सोने का टाइम नहीं है, चलो चेक करते हैं। अरे मैं कह रही हूँ ना, मैंने कस के बांधा है, ऐसे कैसे कोई भाग। रहना, तू क्यों आई है यहाँ से? चली जा और मुझे अपने हाल पे छोड़। तू यही सोच रही होगी ना, किस तरह की माँ हूँ मैं, कितनी गिरी हुई हूँ। मैंने शक्तियों के लालच में आके अपने बेटे की जान ले, और अब जब वो नहीं रहा तब जाके मुझे एहसास हुआ मैंने तुम दोनों के साथ क्या किया। मैं तो माफी मांगने के लायक नहीं हूँ रहना। वो मरा नहीं है। ऋषभ जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। हे भगवान, हे भगवान, तूने एक माँ की लाज रखी। मैंने तुझसे माफी मांगी भगवान, और तूने मुझे माफ कर दिया। रहना बेटा, मुझे बता बता, मेरा ऋषभ कहाँ है, मेरा लाल कार? यहाँ इस पत्थर में। पुली ने कहा कि जिस इंसान ने नरसिम्हा को जागृत किया वही ऋषभ को इस पत्थर से निकाल सकता है। मैं नहीं जानती कि आपने ये क्यों किया, क्या किया, मैं कुछ नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि आपकी ये जो आंसू है वो सच है या झूठ। पर हाँ, मैं इतना जरूर जानती कि आपने जो भी किया है, जो जो गलतियां की, उसे सुधारने का एक मौका मिला है आपको, और ये मौका ना सबको नहीं मिलता। तू सच कह रही है बेटा, तू बिल्कुल सच कह रही है रहना।
दूसरा मौका तो किस्मत वालों को ही मिलता है। रेन, मेरा यकीन मान रहे ना? मैं जानती हूँ कि ऋषभ को इस पत्थर से कैसे निकाल सकते, पर बेटा तू अगर मेरे हाथ खोल देगी ना तो मैं तेरा प्यार तुझे लौटा दूंगी। मैं जानती हूँ तू ऋषभ से बहुत प्यार करती, रहना एक मौका, एक आखिरी मौका तो दे दे रहना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तेरा प्यार तुझे लौटा दूंगी। कम्मो, ये आवाज कैसी थी? बाबू वो देखो पत्थर। वो पत्थर की चमक आपकी मैया की गाड़ी से आ रही है। चलो बाबू चलो। धीरे बोलो, कहीं मेरे बाप और क्यारा ने सुन लिया, वो भी आ जाएंगे पीछे पीछे। चलो तुम्हारे लिए लाऊंगी। देखो देखो मैं तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे लिए ले आई, देखना कि अब मैं कैसे तुझे अमर अजर बनाती हूं। और फिर हम दोनों मिलकर उन दोनों को मार देंगे, हम सबको मार देंगे, उन सबको, उन सबको हम मार देंगे। और फिर उसके बाद मैं तुम्हें अपने वश में कर लूंगी, तुम्हारी शक्तियों से मैं अजर अमर हो जाऊंगी, कयामत से कयामत तक। मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, अब तो तेरी रानी भी नहीं बचेगी, मतलब वो तेरी रैना, वो भी नहीं बचेगी, वो मरेगी, वो भी मरेगी। आपको क्या लगा आप सबको अपने वश में कर लेंगी? यू आर सो रॉन्ग मॉम। दिमाग खराब हो गया तेरा युग? कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मैं ये सब कुछ अपने लिए नहीं कर रही हूँ। हाँ? तेरे लिए ही कर रही हूँ। मेरे लिए? मेरे लिए क्या किया है आपने मुझे अच्छी तरह से पता है, बार बार आपने मेरी इंसल्ट की है। मॉम आई डोंट केयर आपके साथ क्या होता है, लेकिन ये शक्तियाँ तो मैं ही लूंगा। वाह बाबू वाह, क्या
किया है आपने। जय माता दी। चुप चुड़ैल, माँ बेटे के बीच में बोल रही है तू? ये औरत मुझे कुछ भी कहे जा रही है और तू सुन रहा है योग? तुझे शर्म नहीं आई? एक दो टके की काम वाली के लिए तू अपनी माँ के साथ ये सुलूक कर रहा है? दे, वापस दे वो पत्थर। मॉम, अपनी माँ को आंखें दिखाएगा तू नालायक? मॉम, हाथ उठाएगा मुझ पे? अपनी माँ पे हाथ उठाएगा तू? उस माँ पे हाथ उठाएगा जिसे जन्म दिया तुझे? सब कुछ तेरे लिए किया, अपनी पूरी जिंदगी तेरे लिए दांव पे लगाई, तू हाथ उठाएगा मुझ पे? शर्म नहीं आई हो? शर्म मुझे आती है कि तू मेरा बेटा है? काश मैंने तुझे जन्म नहीं दिया होता। अरे तुझसे तो अच्छा वो ऋषभ है। तो ये अपनी माँ पे हाथ उठा रहा है और वो पूरी दुनिया के सामने अपनी इस नकली माँ को बस ऊपर उठाना चाहता है। शर्मा रही है मुझे कि तू मेरा बेटा है? तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया योग? दे वापस दे मुझे, दे दे वो मुझे। नहीं मॉम, तू इसके काबिल ही नहीं है। दे योग, छोड़ो मेरा मॉम। लीव माय हैंड। यो, दे मुझे। तू कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। नाकारा। मॉम, यू आर सो डेड नाउ। तू क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। यू आर डेड मॉम। तू पागल हो गया? वो मार देगा हमें। हमें नहीं मॉम, आपको। क्या? यू आर डेड मॉम। तू अपनी मां को ढाल बना रहा है? गया युग, और अब कोई भी युग में मत मिलना मदर इंडिया। कमो चल। हाँ।